आप देख रहे हैं वार्ता 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने सितंबर में जन्मदिन आने वाला है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस दिन को बड़े स्तर पर मनाने की योजना बना रही है। जी हां, अगले महीने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना के जरिए बीजेपी की कोशिश बड़े स्तर पर ओबीसी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने की है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पड़ रही है और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। ऐसे में बीजेपी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी इस दिन को देश भर में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी और साथ ही विश्वकर्मा योजना को लेकर लोगों को जागरूक भी करेगी। दरअसल इस योजना का सीधा फायदा देश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और पसमांदा समाज को मिलेगा। यही वजह है कि विश्वकर्मा योजना को जमीन और जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की ओबीसी मोर्चा ने मेगा आउटरीच प्लान तैयार किया है। पार्टी ओबीसी मोर्चा विश्वकर्मा योजना को लेकर जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम चलाएगा और लोगों को इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन आदि से जुड़ी प्रक्रिया समझाएगा और उनके सवालों का समाधान भी करेगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा इस योजना को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेगा। बीजेपी अपने इस मेगा प्रचार और जागरूकता अभियान के जरिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग के मतदाताओं तक पहुंचना चाहती है। आपको बता दें, यही वजह है कि विश्वकर्मा योजना के लॉन्च से पहले अगले महीने बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में इस योजना को ओबीसी वर्ग के घर घर पहुँचाने और मेगा प्रचार को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान इस योजना के लॉन्च के तारीख की घोषणा की थी और बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी भी दे दी गई। इस खबर से जुड़ी नई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।